देखिए, अभी तक हमने बात की अधिगम क्या है, व्हाट इज लर्निंग, अधिगम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, और अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग, है ना, अकॉर्डिंग टू गेली। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से या तो अधिगम बहुत अच्छा हो सकता है या फिर उसमें बाधा आ सकती है? तो फैक्टर्स क्या हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, है ना? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। और आगे जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उन सिद्धांतों के आधार पर भी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बेसिक अगर फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तो हेल्थ, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और अगर शरीर ही स्वस्थ ना हो तो फिर मस्तिष्क ही नहीं होगा, है ना, और फिर उसका विकास कैसे होगा? अधिगम के लिए तो मस्तिष्क का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना, ठीक है। तो यानी कि पहला फैक्टर जो होगा वो जो आपका स्वास्थ्य, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक। अब शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य जब सही होगा तभी अटक हो पाएगा। इस पर ज्यादा चर्चा करने जैसा कोई मुझे स्कोप लगता नहीं है, क्योंकि ये सभी की समझ में आसानी से आ जाता है। फिर है, इसको मैं इंग्लिश में लिखा ही नहीं, है ना, हेल्थ है उसको। फिर है आपका पोटेंशियल ऑफ लर्नर, ये एपोस्ट्रॉफी ऐसे है ना, पोटेंशियल मतलब क्या होता है? बताइए। सर सामर्थ्य अधिगमकर्ता की क्षमता या फिर का सामर्थ्य, ठीक है। सामर्थ्य तो क्लियर ही होगा, आप उनको समझते होंगे पोटेंशियल मतलब क्या है ना। यस जैसे सर अगर मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूं आपको, 5-6 साल का एक बच्चा है, क्या आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 20-25 किलो का जो भार है उसको आसानी से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके? 5-6 साल का ही बच्चा है, बताइए कर सकते हैं नो सर, नहीं? तो हम कह सकते हैं कि टोटल उसमें, हाँ हम कह सकते हैं कि उसमें अभी फिजिकल पोटेंशियल है ही नहीं इतना कि वो इतना भारी भरकम सामान उठा सके। लेकिन अगर यही बात हम किसी 20 या 25 साल के युवा के लिए कहें जो कि शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ भी है, मजबूत भी है, तो हम कह सकते हैं कि उसका शारीरिक सामर्थ्य जो है वो है, उसमें इतना फिजिकल पोटेंशियल है कि वो ये काम कर देगा आसानी से। इसी प्रकार से अगर हम किसी 8-9 साल के बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो एक कठिन से कठिन जो परिस्थिति है उसका समाधान कर सकता है, या फिर कोई एक कठिन प्रश्न है या फिर कोई पजल है उसको सॉल्व कर सकता है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जबकि यही काम अगर हम कोई 11-12 में पढ़ने वाला बच्चा है उससे करें तो हम कह सकते हैं कि उसका, तो कुल मिलाकर के ये पोटेंशियल है जो कि आपका, आप क्या काम कर सकते हो उसको डिफाइन करता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल आपका जो लर्नर है उसका किस पर डिपेंड करता है? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन पर डिपेंड करता है वो।
जैसे उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ठीक, उसमें एटीट्यूड क्या कैसा है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है ना। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा पोटेंशियल में आपका, इंटरेस्ट, एटीट्यूड यानी कि उसकी रुचि, उसकी उसका दृष्टिकोण। कई बार क्या होता है कि आप कर सकते हो बट आपका मन नहीं है, आप चाहते नहीं करना, तो फिर कैसे हो पाएगा, इट मीन्स कि आप में रुचि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर उधर लेवल ऑफ एस्पिरेशन और मोटिवेशन। लेवल ऑफ एस्पिरेशन ये भी है और मोटिवेशन। कि बच्चे की चाह का स्तर कितना है, बच्चे का अभिप्रेरणा स्तर क्या है, इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चा सीखेगा कितना। ठीक है, अगर कोई बच्चा डेस्परेट है क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए, तो फिर उसका जो अधिगम का स्तर होगा, उसका जो अधिगम का लेवल होगा, वो भी बढ़ जाएगा। वो दिन रात मेहनत करेगा, जो भी कुछ करेगा, मतलब वो फर्स्ट पोजीशन लाने के लिए जितने भी एफर्ट्स थे वो सब लगाएगा। लेकिन अगर किसी को इच्छा ही नहीं है क्लास में फर्स्ट आने की, है ना, किसी का वो लेवल ही नहीं है एस्पायरेशन का, उसको मोटिवेशन ही नहीं है, तो क्यों करेगा। ठीक है, किसी से अगर बच्चे से कहा जाए कि जो क्लास में फर्स्ट आएगा उसको एक यूरोप ट्रिप दी जाएगी या उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो बाहर जाकर के फ्री में पढ़ सकता है, पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी, करेगा मेहनत, नहीं करेगा। किसी को आईआईटीन बनना होता है तो आईआईटीन बनने के लिए कितनी मेहनत कर देता है, आईएएस बनना होता है उसके लिए कितनी मेहनत कर देता है ना। ये सब कुछ फिर है पर्पस ऑफ लाइफ या गोल ऑफ लाइफ। पर्पस क्या, उद्देश्य। अब किसी के पास खूब सारा पैसा है और उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना उसको पढ़ने की आवश्यकता है, ना कोई नौकरी करने की आवश्यकता है, तो ठीक है, उसकी लाइफ स्टाइल ही वैसा हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देगा नहीं, कुछ और चीजें सीखेगा भले ही, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाली जो चीजें हैं, जो सीखने वाली हैं, जो एक आम युवा के लिए आवश्यक होती है जीवन जीने के लिए, उससे दूर हो जाएगा। इसी तरह से फिर है, फिर विल पावर, तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ आप लोगों से। विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति, विल पावर, इच्छा शक्ति। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। हम सीधे थ्योरीज पर चलेंगे, बहुत सारे सिद्धांत हैं, अलग अलग कौन कौन से सिद्धांत हैं, है ना, एक ब्रीफिंग करते हुए कंप्लीट करेंगे आज की क्लास को। ठीक सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है ट्रायल एंड एरर। आप सोचते हो चलिए किसने दिया है, तो दिया है आपका ईयर थॉर्नडाइक ने। दूसरा सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं वो है आपका, बताइए क्या नाम है उसका, क्लासिकल कंडीशनिंग। सांसें मुंडन,
इसे बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, ये किसने दिया है? क्लासिकल कंडीशन देखिए, सही कहा, प्रॉब्लम ने तो ठीक है, प्रॉब्लम ने। पावलोव ने दिया है। ठीक आते हैं हम थर्ड, क्या नाम है बताओ, सोचो जरा। सक्रिय प्रसूत, सबूत वेरी कंडीशनिंग, गुड, ठीक है। क्या ऑपरेंट है ये? क्लासिकल है वो, ऑपरेंट कंडीशनिंग। कई बार तो इतने से ही प्रश्न बन जाता है आप लोगों का, है ना। किसने दिया है? तो बी एफ स्किनर। ऐसा है, ये स्किनर दे रखा है। इसके बाद इसके आपका है इनसाइड लर्निंग। ये किसने दिया है? कोल लर्निंग। देखिए, ये जो तीन सिद्धांत है ना, शुरुआत के ट्रायल एंड एरर, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेटिव, ये तीनों ही सिद्धांत जो हैं वो उद्दीपन और अनुक्रिया पर आधारित हैं। पूरी तरह से इनका जो की कंसेप्ट है वो सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। लेकिन जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी है ये डिफरेंट है। ये तीनों सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है ना, बिहेवियरिस्ट थ्योरीज हैं ये, और जो इनसाइट लर्निंग है वो आपका गेस्टाल्ट थ्योरी है, यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। ये तो हमको याद ही रखना होता है। अब जो की कंसेप्ट इनमें आते हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं वन बाय वन हम ना, और मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद भी उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, ताकि कहीं पर फिर प्रॉब्लम्स ना आए, आपको लगे कि हाँ भाई ठीक है, हमको याद ही था पहले से, हमने कुछ नया नहीं देखा इसमें। तो ट्रायल एंड एरर की जब हम बात करेंगे, तो आप जानती हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थोंडैक ने दिया हुआ है, और यहाँ पर जो थोंडैक वो एक बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से जब भी कुछ सीखने का प्रयत्न करता है, तो वहां पर शुरुआत में कुछ ना कुछ उससे गलतियां होती हैं, और जब वह बार बार प्रयास करता है तो गलतियों की संख्या धीरे 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 क्या होती है, कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि बिना गलती के वो व्यक्ति उस कार्य को करने लगता है, यानी कि अब उसका अधिगम पूर्ण हो चुका है। मम्मा तो वो इसकी चाबी बता दो, मैं मुझे नहीं पता, बेटा होती है तो मैं खोलती हूँ, कुछ है भी नहीं उसमें अंदर। ये कुछ बातें जो हैं इन्होंने की है। इन्होंने इसमें कुछ टर्म्स, जो इसकी प्रोसेस होती है लर्निंग की, उस लर्निंग की प्रोसेस का कुछ एक प्रोसेस बताया है, जिसमें ड्राइव और गोल, मतलब एक ड्राइव यानी कि एक चालक उत्पन्न होता है, एक प्रणोद उत्पन्न होता है, और एक उसका एक उद्देश्य वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है, तो उस बीच कुछ बाधाएं आती हैं, यानी ब्लॉक्स कह देते हैं इनको हम, ठीक है, ब्लॉक आती हैं। तो एक, दो और तीन, यानी कि चालक है, एक गोल तक पहुंचना चाह रहा है, बट बीच में क्या है, बाधाएं हैं। अब इन बाधाओं को दूर करने का वो प्रयत्न करेगा, तो कैसे करेगा प्रयत्न? तो बाधा को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, रैंडम मूवमेंट्स उसके होंगे, ठीक है, रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट्स क्या हुए? कुछ भी कर रहा है वो, उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये जो बाधा है इसको दूर कैसे किया जाता है, बट वो अपने अकॉर्डिंग जो उसको लग रहा है वैसा प्रयास कर ले रहा है ना। ठीक है, तो क्या होता है आपका, रैंडम मूवमेंट्स होते हैं।
यादृच्छिक क्या बोलेंगे मूवमेंट को हम प्रयासी बोल लीजिएगा कुछ इस तरह से। ठीक तो अब ये जो बहुत सारे इसने कोशिश की है उनमें से कोई एक कामयाब हो जाएगी। उदाहरण के लिए आपके सामने स्विच बोर्ड है और आपको फैन ऑन करना है, 15-20 स्विच है उसमें, आपको पता ही नहीं कौन सा स्विच है फैन फैन का। क्या करेंगे आप? जो कुछ आप करेंगे वही रैंडम मूवमेंट्स, तो क्या करेंगे? वो 15-20 स्विच में से कोई ना कोई एक स्विच तो आप दबाएंगे पहले। हो सकता है कि उसको दबाने से फैन ऑन हो जाए और हो सकता है ना हो। तो इट मीन जो आपने पहला प्रयास किया स्विच दबाने का रैंडम मूवमेंट था वो फेल हो गया। फिर दोबारा आपने उन 15 में से जो एक तो चला गया, 14 बचे, 14 में से कोई एक फिर आपने फिर क्लिक करने की कोशिश की, वो फिर अगला रैंडम मूवमेंट था क्योंकि आपको पता थोड़ी था कि उससे ही फैन चलने वाला, आप बस एक तुक्का लगा रहे थे, है ना? ऐसा कुछ क्या होता है रैंडम मूवमेंट जो हम करते हुए चलते हैं तो हमें अचानक से कोई एक स्विच जो फैन का है वो हमसे दब जाता है, उसे बोलते हैं चांस सक्सेस, यानी कि अचानक से मिली एक सफलता जिसका हमको पता ही नहीं कि ये मिली कैसे। राइट। लेकिन जब ये सफलता आपको मिलती है तो इससे एक चीज निर्धारित हो जाती है कि कुछ जो प्रयास आपके थे जो कार्य आपके थे उससे आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं आप? रिडक्शन ऑफ, है ना, मूवमेंट्स, यानी कि कुछ प्रयास जो थे उनको आप रिड्यूस करते हैं, उनको आप दूर करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स, ये टर्म्स याद होने चाहिए। हाँ, सिलेक्शन ऑफ, तो ये पता नहीं कि लिखने में क्या दिक्कत कर रहा है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स, तो जो उचित मूवमेंट्स हैं उनका चयन करना, उनको पहचानना और पहचान करके उनको फिर फिक्स कर देना, फिक्सेशन, ठीक, इस तरीके से। तो ड्राइव, ब्लॉक, गोल, रैंडम मूवमेंट्स, चांस सक्सेस, सेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स एंड फिक्सेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके स्टेप्स हैं, ये 7 आपको याद करने चाहिए, याद होने ही चाहिए आप लोगों को। एग्जाम में पूछ सकता है वो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो कौन सा नहीं है उसके लिए पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। ठीक है ना? इसके बाद ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्ली पर किया था और उसमें उन्होंने एक पिंजरा लिया था, उस पिंजरे में बिल्ली को रखा और वो बिल्ली जो थी भूखी थी, तो बिल्ली भूखी थी इसलिए वो पिंजरे से बाहर निकलना चाह रही थी, है ना? बट अभी तक उसके सामने कोई सही उद्देश्य नहीं था तो उसने प्रयास उतने किए नहीं। फिर जैसे ही उसकी भूख को मिटाने के लिए बाहर से मछली का टुकड़ा रखा गया तो अब उसको मछली का टुकड़ा खा करके भूख मिटानी थी, अब उसने जो प्रयास थे वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर करने शुरू कर दिए और सफलता मिली उसको। ऐसा कुछ यहाँ पर ये जो थॉर्नडाइक वो ये कहते हैं कि लर्निंग इज इंक्रीमेंटल, बढ़ती है मतलब, ठीक है, लर्निंग इज इंक्रीमेंटल, ठीक है, नॉट इनसाइट। इसको जरूर लिखे और याद रखें, बाकी चीज तो वैसे भी आप समझ जाएंगे और पहचान लेंगे, बट इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। देखो लर्निंग और इसी स्टेटमेंट के काउंटर पार्ट पे वो जो इंसाइटफुल लर्निंग है वो आई है। तो अधिगम क्या है आपका? अधिगम प्रयासों के माध्यम से बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है कि आपने जो आपकी एक समझ विकसित हुई समझ के आधार पर आप बिना प्रयास के कोई सफलता पा लेंगे, ऐसा नहीं होता, प्रयास करना ही पड़ेंगे आपको, ऐसा ही कह रहे हैं। और इसका उल्टा बोलते हैं कौन? कोहलर। वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि आप
के शुरुआती प्रयास असफल हो जाएं और तब आपको सफलता मिले। आप अगर अपनी सोच का प्रयोग करें तो बिना किसी असफलता के आप पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कोहलर कह रहे हैं। ठीक है, फिर एक और बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लर्निंग इज, ठीक है, ये लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस। तो ये जो 7-8 स्टेप आपको बताए, ये सब कनेक्शंस ही हैं आपस में, और इनसे क्या आपका लर्निंग बन रही है। ठीक है, आपको स्विच बोर्ड में जब एक स्विच को दबा रहे हैं उससे पंखा ऑन नहीं हो रहा है, तो फिर क्लिक कर रहा है आपको कि अच्छा ये तो हमको यूज नहीं करना है, ये तो फैन का है ही नहीं। इस तरीके से आपके कनेक्शन बनाते हुए करते हैं आप, है ना, अपनी जो अधिगम है उस तक पहुंचते हैं प्रॉपरली। यहाँ तो कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में मैं नहीं लिखा रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, प्लीज उसको लिख लीजिएगा, है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं उसको। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो सर तो। फिक्सेशन के बारे में, सर कौन सा, फिक्सेशन सर 4th नंबर वाला जो फिक्सेशन है, वो नहीं बताऊंगा, उसको इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है, क्या बताऊं फिक्सेशन को मैं आपको, तो हिंदी में इसका इसका मीनिंग बता दीजिए। मतलब ऐसे ना कि जैसे सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मोमेंट्स का, तो कि उचित फिक्स। मोमेंट की पहचान करना। देखो, अगर आप फिक्सेशन का मीनिंग पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपने अपने अनुभव को लगाया ही नहीं यहाँ पर। फिक्स करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को अंतिम रूप से चयन कर लेना। ठीक है, आप बहुत सारे शोरूम्स में कार सेलेक्ट करने गए और आप बाद में बोलते हो मैंने ये कार फिक्स कर ली, अब मैं इसको लूंगी बस। ठीक है, जैसे गोल अचीव करने के बाद जो अंतिम फिक्स चयन, अंतिम चयन जिसको कह सकते हो आप। ठीक है, होता है। बहुत ओके सारे मोमेंट्स थे, उनमें से एक लास्ट उन्होंने जो बहुत सारे प्रयासों के बाद ये सिलेक्ट कर लिया कि यही मोमेंट है जिससे बार बार हमको सफलता मिल रही है, ये हो जाएगा। ठीक है, शादी फिक्स हो गई बोलते नहीं बोलते हैं क्यों, यस सर, तो फिर वो जी। ठीक है, जो अंतिम प्रयास है, जो अंतिम रूप से चयनित प्रयास है, उसको हम फिक्सेशन कह देते हैं। ठीक, कॉन्डाइट ने कुछ लॉज दिए हैं लर्निंग के। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लर्निंग इज डायरेक्ट नॉट मेडिएटेड बाय आइडियाज। अधिगम प्रत्यक्ष है न कि विचारों का थोंडाइक एक पुंज। ठीक है, के, ये थोंडाइक के हैं स्टेटमेंट ये सब थॉर्नडाइक का ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना, जी सर। तो लर्निंग इज डायरेक्ट, नॉट मेडिएटेड बाय आइडिया। मतलब अधिगम क्या है, प्रत्यक्ष है, जो आप कर रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, वही आपका अधिगम है। ये कोई विचारों से मिलकर के नहीं बन रहा, जैसे हम इनसाइटफुल लर्निंग करते हैं, हम सोचते हैं, कुछ विचार आते हैं, उन विचारों पर हम मंथन करते हैं और फिर ये कंफर्म करते हैं कि इससे हमको सफलता मिल सकती है, और उस पर हम फिर अमल करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि लर्निंग इज डायरेक्ट नॉट मेडिएटेड बाय आइडियाज। ठीक है, फिर इन्होंने दिया है आपका लॉज ऑफ लर्निंग, फंडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग के, तो रिविजन से आया तो ये मतलब एक रेगुलर डिस्कशन ही हो गया है पूरा, कहाँ हमको पूरा थ्योरीज खत्म करनी थी, कोई बात नहीं, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट बस। लॉज ऑफ लर्निंग बस, इसके बाद मैं एंड कर दूंगा हाँ आज की क्लास, क्योंकि फिर आप लोगों को भी अपने काम करने होते हैं। 7-10 तक का मैक्सिमम मैंने टाइम बोला है आपसे कि इतना ही आपका समय लूंगा, इससे अधिक नहीं लूंगा। ठीक है, लॉज ऑफ लर्निंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आते हैं आपके, लॉ ऑफ रेडीनेस, सर ठीक है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज या फिर कहें प्रैक्टिस,
यानी प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम, एंड देन लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, प्रभाव का नियम। तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रभाव का नियम है ना, इससे प्रभावित होकर के ही स्किनर ने अपना सिद्धांत दिया था, बताइए आप लोगों को, है ना। स्किनर का जो सिद्धांत है ना, जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग है, वो लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड है पूरा का पूरा। सेकेंडरी लॉज में भी कुछ लॉज होते हैं आपके, जो कि पहले तो उतने नहीं पूछे जाते थे, बट अब कुछ समय से पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, फिर लॉ ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, फिर है लॉ ऑफ एनालॉजी, एंड देन लॉ ऑफ शिफ्टिंग। मल्टीपल रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है आपका? बहु अनुक्रिया का नियम, मतलब किसी भी एक समस्या के लिए बहुत सारे समाधान आपके पास होते हैं, आप बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिस्पॉन्स। अगर आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया है तो आपके पास बहुत सारे रिस्पॉन्स है उसके, आप उसको उल्टा थप्पड़ मार सकते हैं, आप उसको अपशब्द कह सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप वो स्थान से जा सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। लॉ ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है नजरिया, आपका दृष्टिकोण कैसा है, तो आपका जो दृष्टिकोण है उसके आधार पर भी आपका अधिगम होता है कई बार, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो लेवल ऑफ एस्पायरेशन है वो भी इस पर ही बेस्ड है, इस पर ही डिपेंडेंट है, कि जितना लेवल ऑफ एस्पायरेशन या मोटिवेशन होगा उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और उतना ही ज्यादा सीखने की संभावनाएं बन जाती हैं। लॉ ऑफ एनालॉजी में क्या है आपका, कि जब दो चीजें एक जैसी होती हैं लगभग, ठीक है, तो हम उसको आपस में एसोसिएट कर लेते हैं, और यही कहीं आपका फिर एसोसिएटिव शिफ्टिंग का भी एक नियम बन जाता है, ठीक। हेलो, सादृश्यता का नियम बोलते हैं हम एनालॉजी को, हाँ, ठीक है, जैसे कुत्ते का भौंकना वैसे ही बिल्ली का मियाव करना, क्लियर है। हेलो, यस सर, जैसे दाल के साथ भात वैसे ही रोटी के साथ सब्जी, दिस इज कॉल्ड सादृश्यता का नियम, क्योंकि पहले वाले केस में हम कुत्ते का भौंकना बिल्ली का म्याऊं, यानी कि हम जानवरों की आवाजों की बात कर रहे हैं, दूसरे केस में हम दाल के साथ भात यानी कि रोटी के साथ सब्जी, खाने की दो वस्तुएं जिनका हम एक साथ प्रयोग करते हैं पेयर में, उनकी बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाता है सादृश्यता का नियम, जिनकी एक जैसा। लॉ ऑफ शिफ्टिंग या एसोसिएटिव शिफ्टिंग है इसका, हाँ, लॉ ऑफ शिफ्टिंग नहीं है सिर्फ, यह है एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, तो पेन भी एकदम क्या कर रहा है ऐसा, ये लिखने में दिक्कत कर दे रहा है कई बार। तो एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है बताइए, हेलो, बताओ बताओ, एसोसिएटिव शिफ्टिंग को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब किसी एक स्थान पर सीखी हुई कोई क्रिया आपकी दूसरे स्थान पर काम आ जाती है, तो उसको बोल सकते हैं क्या, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। शिफ्ट कर रहे हैं ना आप, एसोसिएट कर रहे हैं पहले उनका, जो दो अलग सिचुएशंस हैं उनमें क्या समानताएं हैं, है ना, उनको आप कहीं की आपस में मिला रहे हैं, उसके बाद उन समानताओं के आधार पर आपके जो अधिगम है उसको आप, जो अनुभव है उसको आप यूज कर रहे हैं आगे, जो कि एसिमिलेशन की क्रिया में हम सामान्यतः करते हैं, ठीक है। तो ये
अभी हम इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, कल भी इस क्लास को हम कंटिन्यू कर लेंगे, और कल की क्लास में तो आराम से हो जाएगा क्योंकि आज का मैक्सिमम टाइम हमारा फर्स्ट क्लास में लग गया, जिसमें कि थोड़ा सा 10-15 मिनट का डिस्टरबेंस हो गया क्लास का, और बाकी लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने रिवाइज कराने की जगह पर डिक्टेट ही कर दिया पूरा, है ना। बट ठीक है, जरूरी भी है क्योंकि मुझे लगता है कि काफी टाइम हो गया तो भूल भी गए होंगे। कल की क्लास में हम क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइड टर्निंग, इन तीनों को ही कवर कर लेंगे और साथ में लर्निंग कर्व भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। कुछ पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।